वेलकम टू भूमिकाज वंडरफुल वर्ल्ड। सो गाइज, आप लोग ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज का चैलेंज है कुकिंग चैलेंज पार्ट टू। सो गाइज, ये चैलेंज में मेरे साथ कौन आएगी, सोचो। वही आएगी जो कुकिंग चैलेंज पार्ट वन में आई थी, आजा गौरी मेरी बहन। हाय गाइस, इसी के ही साथ कर सकते हैं, और कोई तो है नहीं। सो गाइज, आज के चैलेंज में चैलेंज ज्यादा कुछ है नहीं है, बस यही है कि हमें कोई अंडे की चीज बनानी है या फिर अंडा उसमें कोई प्रेजेंट होना चाहिए कोई भी थिंग में। सो प्रेजेंटेबल जहाँ तक है, मतलब ठीक ठीक एक दो मार्क्स प्रेजेंटेबल के, एंड मार्क्स आप लोग ही दोगे कमेंट पे। सो कमेंट बता देना कि गौरी की ज्यादा अच्छी है या फिर मेरी। एंड टाइम लिमिट तो है नहीं, क्योंकि हम लोग अलग ही अलग बनाएंगे, वो अपना ऊपर बनाएगी, मैं अपना नीचे बनाऊंगी। सो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, एंड गौरी का गर्भता स्टाइल चैनल है तो उसको भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। उसकी लिंक भूमि डिस्क्रिप्शन में डाल देगी, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो अभी चलिए हम लोग अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ हमारी वीडियोज को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो एंड लाइक करा करो। सो चलिए देखते हैं। तो गाइस, अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे अनियंस एंड टोमेटोज पहले से ही कट करके रख लिए हैं टॉपिंग्स के लिए उसमें। एंड अब मैं आगे का दिखाती हूँ। तो मैंने टू एग्स को एग वाइट्स और एग योल्स अलग कर लिए हैं, थोड़े से मैसी हो चुके हैं पर ठीक है। एंड अब मैं इसके एग वाइट्स को बहुत अच्छे से विस्क कर लूँगी, जैसे थोड़े से फ्लफी से हो जाएँ। एंड थोड़ी देर विस्क करने के बाद मैं उसमें अपने एग योल्स डाल दूँगी। तो ये अच्छे से विस्क हो चुका है, एंड अब मैं इसमें अपने एग योल्स डाल दूंगी। एंड अपने अनियंस एंड टोमेटोज भी डाल दूंगी। तो इसको मैं थोड़ी देर और विस्क करूंगी एग योल्स डाल के, फिर मैं अपनी बाकी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं इसमें अपने एग योल्स डाल ली हूँ, मैंने इसमें पूरे एग योल्स डाल दिए हैं। एंड अब मैं इसको अच्छे से फिर से विस्क कर लूँगी बहुत अच्छे से। एंड अब मैं इसमें अपने अनियन एंड टोमेटोज भी डाल दूँगी। तो मैं आप लोग को डाल के दिखाती हूँ। मैं इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड अब इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर उसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एंड मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं, एंड अब मैं आप लोग को आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। तो अब मैं, ये मेरे पास ऑयल है, आप इसकी जगह घी या बटर भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें अपने ग्रिल सैंडविच मेकर को इससे ग्रीस पूरा अच्छे से कर लूँगी। मैं यहाँ पे दोनों साइड को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, जैसे ये बिल्कुल भी ना चिपके किसी भी तरफ से। मैंने एक साइड से कर लिया ना, अब मैं दूसरी साइड से भी इसको कर लूँगी अच्छे से ग्रीस। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से कर लिया है, एंड अब मैं इसमें अपना मिक्सर डाल दूँगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और चला लूँगी, क्योंकि जो स्पाइसेस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। एंड अब मैं इसमें अपना डाल दे रही हूँ मिक्सर। तो मैं इसमें हाफ ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था बाद में। मैंने अच्छे से इसको वेजिटेबल्स पूरे में स्प्रेड कर दूँगी, जिसे हर तरफ पहुंच जाएंगे। एंड अब मैं इसको बंद करके थोड़ी देर वेट करूंगी। मैं इसको बंद कर दूंगी, एंड इसके होने का हम लोग वेट करते हैं। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ,
पर ये थोड़े थोड़े हो चुके हैं, पर थोड़े थोड़े रह गया है कच्चा, तो मैं इसको थोड़ी देर और रख दूंगी। तो अब ये हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा ऑयल फिर से लगा के मैं इसको फिर से सेकूंगी। मैं इसको फिर ओपन कर रही हूँ, अंडे बन चुके हैं, तो मैं इसको मेयोनीज के साथ खा रही हूँ। आप किसी और चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। सो गाइज, हम लोग अपनी यम्मी सी अंडे की बुर्जी तैयार करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके लिए हमें चाहिए बॉल, एक बाउल एंड स्पून, एग्स जितने आप चाहो, मैगी मसाला, एंड उसके बाद हमें कुछ चाहिए वेजिटेबल्स। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अनियन, टोमेटो एंड कैप्सिकम। आप चाहो तो एक हरी मिर्च भी ले सकते हो, बट मैं नहीं लूँगी। एंड उसके बाद हमें चाहिए बटर और कुछ मिर्चे और कुछ स्पाइसेस, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। सो सबसे पहले हम इसको बटर डाल देंगे एंड इसको बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। एंड डोंट यूज़ रिफाइंड एंड ऑयल, क्योंकि इससे उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। एंड उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देते हैं कुक होने के लिए। सो अब मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं और उसको मैं कुक कर लूँगी बटर में ही। एंड जब आपके टोमेटोज बीच से कटने लग जाएं, आप चम्मच को ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करके देखिएगा। अगर आपके टोमेटोज कट हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी वेजिटेबल अच्छे से कुक हो पा रही है। सो ये आप ज़रूर करना एंड इसको बहुत अच्छे से कुक होने देना। और अपनी फ्लेम को लो पे ही ट्राई करना, बीच बीच में मीडियम कर देना, उसके बाद थोड़ी देर बाद बिल्कुल स्लो पे कर देना। ट्राई करना कि आपकी रेसिपी स्लो पे बने, क्योंकि अगर आप मीडियम पे करते हो तो आपकी वेजिटेबल्स जल भी सकती हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी, पहले तो मैंने इसको 2-3 मिनट और फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी रेड मिर्ची, कुटी मिर्ची। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। एंड अभी इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना। अब मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी फॉर द बेस्ट कलर। एंड अब इसको और अच्छे से मिक्स करना है आपको। सी, अगर हल्दी आपकी अच्छे से मिक्स हो रही है तो आप अपनी वेजिटेबल्स में येलो कलर फाउंड कर पाओगे। देखिए मेरी वेजिटेबल्स येलो हो चुके हैं। और आप चाहो तो मैगी मसाला पहले डाल सकते हो, बट मैं बाद में डालती हूँ। एंड अब मैंने यहाँ पे जितने 3 eggs लिए थे उसको मैंने फोड़ लिया है बाउल में। एंड अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो ये इसका वाइट वाइट है वो बिल्कुल बचे ना, मतलब बिल्कुल दिखे ना। और बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इसको, एंड लाइक दिस। एंड अब हम इसको अपने वेजिटेबल्स में डाल देंगे। एंड इस समय आप बीच में अपनी फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और इसको इसी वे में, आपको जिस वे में मैं दिखा रही हूँ आपको इसी वे में करना है। अपनी स्पून को इसी वे में चलाना है, जिससे कि ये भुजिया बन पाएगी। लाइक दिस ओनली। एंड गाइस, बिलीव में बहुत ही यम्मी बनने वाली है। एंड अब आप जब ये देखिए हल्का हल्का सूखने लग जाएगा, तब आप इसकी फ्लेम लो कर दीजिएगा। तो आपको इसी वे में इसको थोड़ी देर कुक करना है। चाहो तो आप लोग इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर सकते हो फॉर मोस्ट यम्मी टेस्ट। एंड इसमें अब हम डाल देंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से हमारी भुजिया बहुत ही यम्मी बन जाती है। एंड अगर अब आपको हल्की सी लाल मिर्च या हल्दी तो मैं अब डालूंगी, बिकॉज कलर मुझे बहुत अच्छा चाहिए होता है, वरना मैं खा नहीं पाती। एंड अभी मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। और अगर आपको लाल मिर्च कम लगे, या फिर आप अपने हिसाब से मिर्च विर्च अगर आप कम खाते तो कम डालना, और अगर आप ज़्यादा डालते हो तो मतलब अगर आप लोग ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लेना। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है।
अब मैं इसमें फिर से हल्दी डाल लूँ जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आ जाए हमारी भुजिया का, बिल्कुल येल्लो आए, जैसे आप देख ही सकते हो येल्लो हो ही चुकी है। वाओ यार ये बहुत ही यम्मी दिख रही है। एंड अब जब ये पूरी सूख जाती है ना तो इसको आप बिल्कुल लो फ्लेम में करना। एंड अब हमने थोड़ा सॉस डाला है बिकॉज ये बहुत ही सॉस के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। एंड सॉस बहुत ज़्यादा मत डालना, कम ही डालना वरना बहुत मीठी हो जाएगी आपकी भुजिया और अच्छी भी नहीं बनेगी। और अगर आपके पास मेयोनीज है तो आप मेयोनीज भी डाल सकते हो, इससे और अच्छा टेस्ट होगा। तो इसको थोड़ी देर कुक कर लेंगे एंड हमारी भुजिया बिल्कुल तैयार है। सो ये है भुजिया और इसके ब्रेड के साथ खाने में क्या मज़ेदार होती है। सो मुझसे तो कंट्रोल हो नहीं रहा है एंड मैं खा रही हूँ। सो गाइज आप लोग बता देना किसकी रेसिपी सबसे अच्छी थी कमेंट में, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो खा रही हूँ। ओ माय गॉड इट्स डिलीशियस यू नो। करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।